आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, somehow या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण है, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हो, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नजर आई गोविंदा, ये रिलीज कैसे नहीं। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे ये बचपन से यही माता पिता ने समझाया कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सब प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई, उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली, मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो है चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सके, ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है वो रिलीज नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया। अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज हुई, आप सब जो पत्रकार गण है सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं। सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले। क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे, इसे कहां से थिएटर दे दें। तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहां तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब यह हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं, ये तो हद हो गई। अब यह सोचने का विषय है, एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहां है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घातपात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा। मेरा यह सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये तो मैं ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय प्रहलाद जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष कह सकूं। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास 9 वर्ष का पूरा लेखा जोखा है। ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं, मेरे तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूं। मेरे तरफ से एक गलत शब्द मैं नहीं कहता हूं किसी से। आई थिंक सो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड There are few people, they are behind, not providing me the place to act. I'm very sorry for that. And God is there, ऊपर वाला है, और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, और ये लोग जो कर रहे हैं ये सही ढंग नहीं है। मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि उन लोगों के पे वो नजर करे, देखे उस तरफ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई।
This is not done. This is bad.